खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले के लाल गांव से है, जहां महिला की मौत के बाद पीपल में पानी डालने जा रहे वृद्ध के ऊपर प्राणघातक हमला हुआ है। हमले में शंकर यादव नाम का व्यक्ति घायल हुआ है, जबकि मारपीट करने वाले शुभम यादव बताया जाता है। बताया जाता है कि पुरानी रंजिश चल रही थी, उसी रंजिश को लेकर अचानक हमला किया गया है। घायल को उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई है। आइए आपको सुनाते हैं घायल के परिजनों ने क्या बताया। ये क्या घटना हुई है? घटना ये सब गए थे वो नहवाने, पीपर है, फसल दादी खत्म हो गई थी, गए थे पीपर नहवाने। तो पीपर नहवाने में हमारे घर में कोई नहीं था, तो वो मारे। कौन? रोशन लाल मरवाने वाले थे, सुगन यादव मारने। क्या पहले कुछ विवाद है? सब विवाद कुछ नहीं हुआ है, कुछ पता नहीं पहले हो गया। पहले ऐसे घर में जाके वो किए थे, इसके बाद फिर हो गया मारा पीट कर दिया। वो विवाद तो कुछ हुई नहीं। जो घायल हुआ इनका क्या नाम है? शंकर यादव। कहाँ की घटना है? सोनबरसा लाल गाँव थाने में। थाने में रिपोर्ट डलवा दी है। थाना लाल गाँव जी, चौकी लाल गाँव। वासुदेव, क्या नाम है जिसने मारपीट किया है? उसका नाम है राम प्रसाद सुगन। कहाँ के रहने वाला है? लालगढ़ सोनबरसा। ये कहाँ गए थे नहाने? अरे घर से ऐसे 500 मीटर दूर। वो परिवार के हैं कि? परिवार के। काहे से मारे हैं? अब साहब के राहत नहीं। आपका क्या नाम है? हमारा नाम है रामनाथ यादव। कितने लोग घायल हैं? ये कौन भाई है आपके? बब्बा। बब्बा है। क्या नाम है इनका बब्बा का? शंकर यादव। कितने लोग घायल हुए मार दिए? अचानक मार दिया वो। नमस्कार रीवा, मैं हूं भानु पंडित। और मैं हूं अनीता भट्ट। और हमारे यहाँ आपके शहर रीवा 11 दिसंबर 2022 को कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में एक सुरों की महफिल सजाने, जिसका नाम है उड़ान शाम में गजल। एक शाम सूफी संगीत के नाम में अपनी प्रस्तुति देने के लिए। तो हम चाहते हैं कि आप सभी आए वहाँ पे इस संगीत में शाम का हिस्सा बनने के लिए। और हम दोनों स्पेशली थैंक्स बोलना चाहते हैं अभ्युदय उपकार फाउंडेशन की तरफ से अनामिका शुक्ला जी का, जिन्होंने हमें रीवा शहर आमंत्रित किया। So, see you all there.